जमाना है 1.5 साल पहले का, जब मेरे सर पर काली घनी जुल्फे देखकर तुम लोग बोलते थे कि लक्ष्य भाई ये वाले जो बाल है ना आपके ऊपर सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब मैंने कटवा लिए, छोटे हो चुके हैं ये, और आज तक तुम कमेंट करते हो कि यार वापस वही वाला हेयर स्टाइल कर लो। अब क्या बताऊं तुम्हें अपने दर्द के बारे में, चलो बताइए देते, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, क्या तुम्हारे लिए लॉन्ग हेयर ठीक है या नहीं, कि तुम्हें शॉर्टर की तरफ जाना चाहिए। अब देखो मैंने दोनों रखे हैं, तो मैं, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही बंदा हूं जो इसके बारे में बता पाएगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज देखे हैं, वो सिर्फ इधर उधर से नेट से चेप के डाल देते, बट हाँ ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट आता है मेहनत। वो सुना है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैंने कूल लगने के लिए बोल दिया था। लॉन्ग हेयर ग्रो करना भाई मेहनत का काम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो मेहनत करके तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत एकदम अच्छी चीज अचीव कर ली है, काफी सब्जेक्टिव चीज है ये। बात तो सही है, मार्क माय वर्ड्स भाई, इस दुनिया में लॉन्ग हेयर सबके ऊपर अच्छे नहीं लगते। हाँ तुमने बचपन से भाई शॉर्ट हेयर रखे और तुम्हें लगता है कि लॉन्ग हेयर मुझे ट्राई करने ही करने एक बारी, तो भाई आजकल ना एक चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास वो है तो काफी सारे फिल्टर्स आ चुके हैं अपने बालों में, पहले ट्राई करो लॉन्ग हेयर लगा के सेटिंग देखने का, उसके बाद देखो कि आपकी शक्ल कैसी लग रही है उसमें, क्या वो तुम्हारे ऊपर सूट करेंगे नहीं, तो भाई नहीं करने की जरूरत है। अगर कर रहे हैं अच्छे से तो भैया रोग भी कौन रहा है, जस्ट गो फॉर देम, क्योंकि उनसे अच्छे शायद मुझे नहीं लगता कोई हेयर स्टाइल कैरी हो सकता है। अब स्नैपचैट पे जाओ, चाहे जाओ तुम इंस्टाग्राम पे, वहां पे तुम्हें फिल्टर मिल जाएगा, चाहे तुम्हारे कर्ली वेवी स्ट्रेट किसी भी तरीके के बाल हैं, और उसको अपने बालों पे लगा के देखो ना, सबसे अच्छी ट्रिक है। लेकिन इससे होगा क्या भाई, सबसे अच्छी बात है तुम्हारा टाइम बचेगा, जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं करके देखूंगा तब मुझे पता चलेगा, उसके लिए मैंने आपके लिए बिल्कुल एक सीधा रास्ता बता दिया, तो आप ये कर सकते। सेकंड पॉइंट आ जाता है टाइम भाई। अपने घर में जितनी भी लेडीज है ना, उन सबको देख लो, वो अपने लंबे बालों को कितनी बार धोती है, एक वीक में कितनी बार सुखाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसको सुखाने में स्टाइल करने में एक जमाना चले जाएगा। एंड आजकल की बात ही यही है, जमाने में टाइम है किसके पास, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है, किसी को खाने का टाइम नहीं, किसी को नहाने का टाइम नहीं, लोगों से मिलने का टाइम नहीं, और हिलाने का भाई भाई। नहीं, वो तो तुम्हारे पास होगा। स्कूल टाइम में बाल लंबे ना रखने का रीजन यही होता है टाइम भाई, टीचर्स तुम्हारा खून पी जाएंगे, घर वाले तुम्हारे खून के प्यासे रहेंगे कि भाई इतने लंबे बाल करके जाएगा कहाँ, टाइम दे पढ़ाई कर, कुछ IAS बन, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो पहले ही फिगर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हफ्ते में तुम कितना टाइम निकाल सकते हो इन काली घनी रेशमी जुल्फों के लिए, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ यार रुका के देख लेंगे उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है, तो ये बहुत गलत डिसीजन होगा। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ये एक टेम्परेरी शौक है, जो कि भाई लोगों ने फोमो डाल दिया कि हाँ यार लंबे बाल अच्छे लगते हैं इसलिए तुम कर रहे हो, या फिर तुम्हें एक्चुअली में ये चीज पसंद। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टाइलिंग। वेल कितना भी कह लो, क्या मैं अपने लंबे बालों को मिस करता हूँ, यस आई डू, लेकिन इंसान में वो चुल होती है ना कि हाँ ये कर रहे हैं लेकिन पहले वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा था, तो मुझ में तो वो चुल भर के थी। मुझे आज भी याद है जब मैं लंबे बाल रखता था ना, मैं फुल पोटेंशियल में अपने खुद के लियो कॉर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर पाता था, चाहे वो हेयर पाउडर की बात, या फिर हम कर ले फैंग की बात, या फिर हम कर ले भाई सी सॉल्ट की बात। ये तीनों प्रोडक्ट्स भाई बेस्ट हैं होल्ड के लिए, लेकिन अगर तुम लंबे बाल रख रहे हो तो तुम्हें ना खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये वाले होल्ड के लिए तो बेस्ट होते ही हैं, साथ ही साथ टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं। टेक्सचर के लिए हाँ मैं इनको यूज करता था रेगुलर बेसिस पे, लेकिन यू नो वो जो नीट लुक आती है शॉर्ट हेयर में कट वाली, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं यू नो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। तो अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो, आई एम श्योर तुम्हें पता है कि हाउ मच आई लव हेयर स्टाइलिंग, कहीं ना कहीं ये चैनल भी उसके ऊपर ही बेस्ड है। आई लव इट, आई लिव इट, आई फील इट, कि वो पैशन है मेरा। अब मेरा बोलना सिर्फ ये कि अपने मन की चीज ही ना कर पाओ तो क्या फायदा ऐसे लंबे बाल रखने का, और ये मेरा बहुत पर्सनल रीजन था शॉर्ट हेयर रखने का। अब भाई एक साफ सीधी बात बताऊं तो मैं बिलोंग करता हूं मिडिल क्लास फैमिली से, बाइक पे और स्कूटी पे आना जाना मेरा रेगुलर होता है, क्योंकि गाड़ी भाई गलियों में घुसती नहीं है, और बाइक के साथ आते हैं हेलमेट, जो तुमने अगर लंबे बालों में लगा लिए ना तो लग जाते हैं बालों के। बात तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी। इंडियन वेदर और कंडीशंस को देखकर हमें काफी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाहर की कंट्रीज को हम देखते हैं, यार काश ऐसा मौसम हमारे हिंदुस्तान में भी होता, लेकिन वो नहीं है भाई पॉसिबल। मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली से पॉल्यूशन हट जाए, मैं तो इतनी सी चीज में खुश हूँ। भाई कड़वा सच तो ये है कि इंडियन वेदर इज नॉट सूटेड फॉर लॉन्ग हेयर, स्पेशली फॉर मेन। अगर तुम लोग बाइक या स्कूटी पे जा रहे हो हेलमेट पहनकर खास करके, तो वो बिल्कुल तुम्हारे बालों को खराब करने वाला है। हाँ तुमने अगर लियोकॉर का वॉल्यूमाइजिंग पाउडर लगा रखा अपने बालों में एंड तुम्हारे शॉर्ट हेयर है, तो भाई इसको तुम रीस्टाइल दोबारा कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग हेयर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, खास करके क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इंडिया देखते हुए तो बिल्कुल। ऑल्दो अगर तुम मोटी पार्टी और बहुत सारे जरिए इनको अच्छा रखवाने के, तो भाई ये वीडियो देखो ही मत, बेझिझक लंबे बाल रखो विदाउट एनी डाउट। अब इस वीडियो की पूरी फील में तुमको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने भाई सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग हेयर की बुराई करी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने प्रैक्टिकलिटी से तुम लोगों को चीजें बताई है कि भाई ये चार पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना तुम्हारे साथ भी होने वाले, तो मैं पहले तुम्हें लेके चल रहा हूँ, ऐसा बड़ा भाई मेरा फर्ज बनता है भाई तुम्हें बताना। और इन्हीं पॉइंट्स के चलते शायद इन फ्यूचर मैं लॉन्ग हेयर का ना सोचूं, शॉर्ट हेयर वर्सेटाइल होते हैं एंड इनमें तुम कितने सारे स्टाइल कर सकते हो वो मुझे पता है, सो यार प्रोबेबली अभी कुछ टाइम तो रहने वाले हैं। बाय द वे तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई फैशन ग्रूमिंग रिलेटेड कुछ भी देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल द गबरू लाइफ। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। सो प्लीज सब सबर कर सबर कर सबर कर आई सर सर कब व्हाटएवर।